आप लोग वैसे बुरा ख्वाब आने पे क्या करते रहते हैं? नॉर्मली परेशान होते हैं, फिर लोग पूछते हैं आज आप परेशान क्यों हैं, फिर लोगों को बताया जाता है कि आज हम यूं परेशान हैं, अम्मी से कोई तस्करा करता है, कोई शौहर से जिक्र कर देता, कोई अपने इर्द-गिर्द वालों से जिक्र कर देता, आज मैं बेहद परेशान हूं क्योंकि आज मैंने बड़ा बुरा ख्वाब देखा। और उस ख्वाब का असर तबीयत पे सिर्फ एक दिन नहीं रहता, बाज़ औक़ात ये असरात कई कई दिन तक जारी रहते हैं। बुरे ख्वाब किसको नहीं आते, इंसान को जिंदगी में कभी ना कभी ये सूरत हाल पेश आ ही जाती है कि इंसान रात सोया लेकिन हड़बड़ा के उठ बैठा, अचानक उसका दिल इतना परेशान हुआ, यानी इंसान के पांव जमीन पर नहीं पड़ सकते, तो इस कदर उसे तकलीफ और परेशानी होती है, यूं महसूस करता है कि उसका कोई वजन नहीं रह गया और उसका दिमाग उड़ रहा होता है, कोई चीज अपने काबू में नहीं होती, ऐसी घबराहट और शदीद परेशानी में इंसान क्या करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाईं तरफ 3 दफा थू थू कर दे, इसका मतलब ये नहीं कि बड़े बड़े थूक फेंके, इसका मतलब यह है कि बस इशारतन थू थू कर दे, और दूसरी बात यह है कि अल्लाह की पनाह मांग ले। हजरत अबू कतादा से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह से सुना, आपने फरमाया बेशक अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से होता है और बुरा ख्वाब जिसमें घबराहट हो शैतान की तरफ से होता है, इसलिए जब तुम में से कोई शख्स कोई ऐसा ख्वाब देखे जो बुरा हो तो जागते ही 3 मर्तबा बाईं तरफ थू थू करे और इस ख्वाब की बुराई से अल्लाह की पनाह मांगे। इस तरह का ख्वाब उसे नुकसान नहीं देगा या ख्वाब से उसे नुकसान नहीं होगा। अबू सलेमा ने कहा कि पहले कोई ख्वाब मुझ पर पहाड़ से भी ज्यादा भारी होता था, जब से मैंने ये हदीस सुनी और उस पर अमल करने लगा अब मुझे कोई परवाह नहीं होती। ये सही बुखारी की रिवायत है 5747 और यहां पर रावी हदीस कहते हैं अबू सलेमा ने कहा कि पहले कोई ख्वाब मुझ पर पहाड़ से भी ज्यादा होता था, यानी मुझ पर इतना ज्यादा गरां गुजरता था गोया मैंने पहाड़ उठा लिया हो, लेकिन अब जब से मैंने अल्लाह के सुपुर्द अपने मामलात किए हैं, जब मैंने ये हदीस पढ़ ली इस पर अमल किया अब मुझे कोई परवाही नहीं होती। तो ये बहुत बड़ा सबूत है, परेशानी से बचने के लिए आजमूदा है कि इंसान ख्वाब के आने पर क्या काम करे, 3 दफा बाईं तरफ थू थू कर दे और दूसरी बात अल्लाह की पनाह मांग ले।